योजनाओं के खिलाफ प्रशासनिक अमले ने अतिक्रमण की कार्यवाही की। मुख्यमंत्री के आदेश पर सागर में भी कार्यवाही जारी रहेगी। प्रशासन ने एक बार फिर भूमाफियाओं के खिलाफ अवैध कब्जे को हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। सोमवार को बमोरी तिराहा चौराहा स्थित शासकीय भूमि पर बने दुकानों और ढाबों को जमींदोज कर दिया गया है। इसके बाद अमला स्टेशन के पास पहुंचा, जहां करीब 1.25 करोड़ की शासकीय भूमि पर बने अवैध सर्विस सेंटर को खाली कराकर बुलडोजर चलाया। कार्यवाही के दौरान प्रशासन और संचालकों के बीच दस्तावेजों को लेकर तीखी नोकझोंक भी नजर आई। कार्यवाही को लेकर एसडीएम पवन वारिया ने बताया कि आज 2 अलग-अलग जगह अवैध कब्जे को हटाने की कार्यवाही की गई, जिसमें करीब 2 करोड़ से ज्यादा की शासकीय जमीन पर कब्जा किए हुए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार ही सागर में कार्यवाही जारी रहेगी। इस दौरान सभी प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। जो मुख्यमंत्री जी की मंशानुसार जो भूमाफिया या जो शासकीय भूमि पर अवैध जो कब्जे किए जा रहे थे, तो उसी के अनुसार जो है ये कार्रवाई आज हमने की है। आज जो हमने बमोरे तिराहे पे जो ढाबे बने हुए हाईवे से लग के, तो उसके सामने जो टीन शेड लगे हुए थे जो कि अवैध उसमें आ रहे थे, तो उसमें कल हमने उसमें नोटिस जारी करके आज वीडियो उनको हटाया। उसके उपरांत हमने यहाँ पे भगवानगंज गुलाबिया में गोदाम के सामने जो नजूल भूमि में जो अवैध कब्जा किया हुआ था, जिसमें कि नजूल अधिकारी के द्वारा 7 दिसंबर को विधेयक आदेश पारित हुआ है, तो उसी के पालन में आज यहाँ से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हमारे द्वारा पुलिस नगर निगम और एक संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। उसी तरह हमारी कार्रवाई आगे निकल रही है। यहाँ से कितने वर्ग फुट में पाया गया? यहाँ में 75x75 फीट का जो नजूल भूमि पर अवैध अतिक्रमण था जो आज मुक्त करवाया जा रहा है, इसकी अनुमानित मूल्य जो है वो 1,30,00,000 रुपए है। आप कह सकते हैं कि इसमें आज यहाँ का और हमारे किराए का कुल मिला के लगभग 2 करोड़ रुपए की शासकीय भूमि से जो अवैध अतिक्रमण था उसको मुक्त करवाया गया। इसके बाद और कहीं भी होने आज? जी बिल्कुल है, हमने इसमें जो है और चिन्हित कर लिए हैं और हमारी एक अपडेटेड लिस्ट और आने वाली है, जिसमें नए नाम भी आने की है, तो हम आने वाले दिनों में फेज 2 में इसको लेते हुए कार्रवाई करेंगे।